नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की 10 प्रमुख खबरों पर। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने धारा 144 के तहत नरबाई जलाने का लगाया प्रतिबंध। प्रदूषण को देखते हुए उठाया गया कदम। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जबलपुर के पनागर कृषि समिति प्रभारी अनंत कुमार पटेल के खिलाफ 18 लाख रुपए के गबन का मामला हुआ दर्ज। बात करें तीसरी बड़ी खबर का तो भेड़ाघाट ओवर ब्रिज के पास पुलिस ने पिकअप वाहन से पकड़ी करीब 9.5 लाख रुपए की शराब। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटंगी थाना अंतर्गत सुतिया निवासी अजीत गौर ने फांसी लगा करके आत्महत्या की, पुलिस जांच में। रुक करें अगली खबर का तो उत्तरी हवाओं ने बढ़ाया जबलपुर में सर्दी का कहर, अचानक मौसम ने ली करवट। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूदखोर महादेव पहलवान पर लगाया गया NSA, भेजा गया जेल, मददगारों की पड़ताल द्वारा अब भी जारी। अगली खबर डुमना पहाड़ी के पास की है, जहां खमरिया स्कूल के पास फिर से तेंदुए के परिवार को देखा गया। तेंदुए को देखकर लोगों में डर का माहौल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत कार की बाइक से टक्कर, कार बाइक टक्कर में दो बाइक सवार घायल, पुलिस आरोपियों की खोजबीन में जुट। वहीं अगली खबर की बात करें तो जबलपुर में कोरोना के 2 नए मामले आए सामने, कुल 4 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। अब तक 50,000 से ज्यादा कोविड मरीज जबलपुर में मिल चुके हैं। बात करें अगली बड़ी खबर का तो जिला बार एसोसिएशन का चुनाव अगले हफ्ते, प्रत्याशी लगा रहे हैं खुलकर के पूरा जोर। जबलपुर से जुड़ी ही खबरों के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।